Let's do question number 30 of exercise 3b, that is factorization of polynomial. Question number 30 is 9a square plus 6a plus 1 minus 36b square. Friends, ye hame dikh raha hai 6b ka whole square, right friends? Ab 9a square hame dikh raha hai ye 3a ka whole square hai. Ye hame pata hai 2 into 3a bana hai. क्योंकि a के साथ 3 है तो 3a बना है, यहाँ a ही दे रखा है, प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 36 हमारा 6 का स्क्वायर होता है, 6b का होल स्क्वायर हो गया, राइट फ्रेंड्स. अब इस यहाँ b को अगर हम इस पूरे को लें एक ब्रैकेट में, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, क्योंकि इनटू 1 करूंगी तो 1 एंड द सेम थिंग आंसर आएगा. तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, a a क्या है 3a प्लस b 1 का होल स्क्वायर हो गया माइनस 6b का होल स्क्वायर. तो अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला. a क्या हुआ हमारा 3a प्लस 1 माइनस b, 3a प्लस 1 प्लस b इज द आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31 इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9. ये देखिए 9 अगर मैं y आ रहा है तो दैट मींस ये y आएगा, तो इसको x को होल स्क्वायर किया माइनस y का होल स्क्वायर हुआ प्लस 2 इंटू 3y, राइट फ्रेंड्स, माइनस 3 का होल स्क्वायर. दैट मींस 3 भी आ रहा है क्योंकि y अकेला है इसलिए y अकेला लिखा है, राइट फ्रेंड्स. तो 2a भी, a क्या हो? अगर a y को मानते हैं तो b क्या है हमारा 3 है, तो हम किसे लेंगे, ये तीनों ब्रैकेट में जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस कॉमन लेंगे बाहर, तो ये क्या हो गया y स्क्वायर माइनस 2, a की जगह मैं y लिख रही हूँ, b की जगह 3 लिख रही हूँ यहाँ पे, प्लस का हो गया क्योंकि बाहर माइनस कॉमन आ गया 3 का होल स्क्वायर. तो ये देखिए किसका फॉर्मूला बन गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a a है y माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, राइट. अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट, क्योंकि b में दो वैल्यूज हैं, a प्लस b एंड a माइनस b, राइट फ्रेंड्स. तो ये कितना आ गया, x प्लस y माइनस 3 हो गया और x माइनस y प्लस 3 इज द आंसर. थैंक यू. इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑन मैथ्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.